मोदी जी ने वादा किया था देश के बेरोजगार नौजवानों को कि उनके लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा। आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि पूरे देश में आज 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है 50 स्थानों पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से सभी लोगों को संबोधित करेंगे। लोगों का ख्वाब होता है कि केंद्र सरकार की नौकरी मिले, और उससे केवल अच्छा वेतनमान नहीं होता है, सामाजिक सुरक्षा होती है और सामाजिक सम्मान भी होता है। ये सब बेरोजगारों को इस सरकार में इसलिए भी बहुत हुआ कि ये बिना इंटरव्यू के हुई हैं। इंटरव्यू में अक्सर करप्शन हुआ करता था, तो अब रिटर्न के ऊपर इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, जो उन्होंने किया है उसी के अनुसार उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। आज यहाँ पर पंचकुला में ITBP, BSF, MES, कपड़ा मंत्रालय में जो है निफ्ट है, इसके अलावा इंडियन बैंक है और पोस्ट ऑफिस है, इन विभागों के बेरोजगार बच्चों ने जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया था, जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसे लगभग 180 के आसपास बच्चों को यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और भी कई बच्चे जिन्होंने पिछले जून के, ये मिशन मोड की तरह प्रधानमंत्री ने रोजगार का सृजन किया है, और मिशन रिक्रूटमेंट इसको नया नाम दिया गया है, उसके तहत करीब 12 लाख लोगों को देंगे। आज एक ही दिन एक ही साथ पूरे देश में 75,000 लोगों को उनका नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैं सारे अभ्यर्थियों उनको बधाई देना चाहूँगा। हमारे मिल रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के ना एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। कहाँ से? हम, मैं दिल्ली से हूँ, और हमारी नियुक्ति पंचकुला में। पंचकुला जी, जी। कब आपने इसका चयन किया था? ये 2019 से इनके सिलेक्शन चल रहे थे। एग्ज़ाम हमारा जो हमारी रिक्रूटमेंट निकली थी वो लास्ट ईयर निकली थी, तो हमने लास्ट ईयर फिल किया था। और उसके बाद 3 प्रोसेस में ये होता है, रिटन एग्ज़ाम है, इंटरव्यू हुआ है और प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद हमारा चयन हुआ है। तो आज दीपावली के दिन, ये दीपावली 2022 की दीपावली पे मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ टेक्सटाइल के अंडर जो डिपार्टमेंट है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ निफ्ट पंचकुला में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पंजाब से हूँ, फगवाड़ा सिटी से, और मेरी पोस्टिंग जो है वो पंचकुला में ही हुई है। तो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? जी हाँ, बेसिकली मेरा कंसर्न ज़्यादा ये था, मैंने इसलिए सेंटो में अप्लाई करा क्योंकि जो पंजाब में है वो पे कमीशन में, इस पे बोलना भी चाहूँगी, वो 6th पे कमीशन है। और दूसरा ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजेस में जॉब्स निकली थी और उनका अभी तक कुछ सलेक्शन नहीं हुआ है, 1 साल पहले निकली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे सेंटो में अप्लाई करना चाहिए। और मैंने उससे बाद अप्लाई करा और 2021 में मैंने दिसंबर में इसके फॉर्म फिल करे थे, और अभी मेरी सिलेक्शन भी हो गई है, 1.5 महीना हो गया ज्वाइन करे, और अपॉइंटमेंट लेटर है जो आज मिल जाएंगे, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।